सो हाई गाइस, दिव्यक दिस वॉचिंग एडिकेट टीवी की। सर, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसमें आप 10 प्लस हो, अगर आपने 10 पास किया तो आप एलिजिबल हो। बहुत ही अच्छा अपडेट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट्स है, साथ ही साथ बहुत कम फी के साथ और एक सिंगल टायर एग्जाम के साथ। आपको मैं बताने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन डिटेल में, जानेंगे क्या है क्या नहीं है, साथ ही साथ आपको उसके बारे में एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। जो भी बच्चे चाहते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए प्रिपेयर करना या तो प्रिपेयर करना चाहते हैं इनको नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत मेनली तो देखने वाले मुझे सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बट होता है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपेयर थोड़ा थोड़ा करना है क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है या तो कुछ मजबूरी है, बहुत कुछ होता है, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा अपडेट है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। चलो बिना कुछ देर के शुरू करते हैं। सो आज का नोटिफिकेशन मैं बताने वाला हूँ SSC मीन्स स्टाफ सेलेक्टिंग कमीशन के द्वारा निकला हुआ एक नोटिफिकेशन, जो कि है मल्टीटास्किंग स्टाफ्स के लिए। ठीक है, ये नोटिफिकेशन हर साल आता है और SSC की तरफ से आता है और सबसे एंट्री लेवल का पोस्ट होता है, जो कि अगर आप 10 पास हो, अगर आपने 10 किसी भी स्कूल से किया है, बस 10 पास होना चाहिए और इसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, आपको बस पासिंग मार्क्स होना चाहिए तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। चलो एप्लीकेशन डेट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन आपका 23 मार्च से शुरू हो चुका है और ये लास्ट 30 अप्रैल तक चलने वाला है, तो अच्छा खासा टाइम आप अप्लाई कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का और मैं बगल में शो भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ आपको ऑफिशियल लिंक भी मिल जाएगा अप्लाई करने का, दोनों मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जितने भी IIT JEE के एस्पिरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं उन सबके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑफर है जो अनअकैडमी लाया है। अनअकैडमी प्लस और एकेडमिक सब्सक्रिप्शन में आप सबको एक ऑफर मिल रहा है जो अभी लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है, जिसमें आपको 3 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स में आपको ये सब ऑफर मिलेगा जो आपकी स्क्रीन पे है। मेरा कोड यूज़ कर लेना VIS10 इनरोल करने के लिए और किसी भी कोर्स को आप इनरोल कर सकते हो मेरा कोड यूज़ करके, जिसमें आपको बहुत अच्छा मीन्स ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन में, साथ ही साथ आपको ये सब ऑफर भी वैलिड मिलेंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी आप सबके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है IIT JEE मेगा कॉम्बैट, जो कि होने वाला है 27 मार्च 11 AM को। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बैट है जिसमें पार्टिसिपेट करके आप बहुत सारे गिफ्ट प्राइजेस जीत सकते हो और ये टेस्ट सारे एस्पिरेंट्स दे सकते हैं जो 2024-2023 के एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो इस साल JEE देने वाले हैं वो एस्पिरेंट्स भी दे सकते हैं। ये सबके लिए बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ आपको बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स भी मिलने का मौका मिलेगा और ये JEE लेवल के एक ऑल इंडिया बेसिस पे एग्जाम होगा और JEE लेवल के क्वेश्चंस इसमें होंगे। साथ ही साथ बहुत अच्छा मॉडल जो अनअकैडमी लाइट है, जो अनअकैडमी आप सबके लिए लाया है, जिसमें आप बहुत ही कम फी में इनरोल कर सकते हो, जो 999 से स्टार्टिंग है, जो अगर IIT JEE एडवांस के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है, कम टाइम के लिए आप इनरोल कर सकते हो। इसमें आपको मॉक टेस्ट, सब कुछ, डीप एनालिसिस मिलेगा, साथ ही साथ आपको मेंटर का गाइडेंस भी मिलेगा। मेरा कोड यूज़ कर लेना VIS10 इनरोल करने के लिए। साथ ही साथ अनअकैडमी JEE आपको सुपर 30 का टेस्ट सीरीज दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हर मीन्स हो ही रहा है, अभी कंटिन्यूसली होगा जब तक आपका एग्ज़ाम है JEE मेंस का। इस अभी करेंटली 24 मार्च 6 बजे ये होने वाला है, साथ ही साथ 25 मार्च को होने वाला है, जिसमें आपको 30 मिनट्स 15 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 30 मिनट्स में करने होंगे और जो सारे JEE लेवल के होंगे। बहुत ही कम टाइम आपको मिल रहा है, मीन्स टाइम आपका एक्यूरेट मिल रहा है उसी टाइम पे, तो आपको टाइमिंग का भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ ही साथ आप एक टाइप का मॉक भी दे पाओगे जो कि बहुत ही अच्छा है क्विज़ के जैसा। साथ ही साथ ये 26 मार्च को भी होगा, तो आई होप आपको समझ में आ गया और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एक बार देख लेना। साथ ही साथ अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसका जो CVT होने वाला है वो जुलाई में बताया जा रहा है और ये एक्सटेंड भी होता है, बट अभी जुलाई मान के चल सकते हो क्योंकि इसमें फेरबदल होते हैं एग्ज़ाम्स के डेट्स में। फ़ी की बात करें तो फ़ी जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए 100 रुपीज़ रहने वाला है। अगर आप SC ST OBC PWD किसी पे भी बिलोंग करते हो, साथ ही साथ अगर आप फीमेल कैटेगरी हो, सॉरी मीन्स फीमेल हो और किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, एक्सेप्ट एनी कैटेगरी, यू आर एलिजिबल दैट यू विल नॉट मीन्स यू आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द फी, मतलब आपको कोई फी देने की जरूरत नहीं है, 0 फी अगर आप फीमेल हो तो बहुत अच्छी बात है, सारे लड़कियों को अप्लाई करना चाहिए, फ्री में करना चाहिए, फ्री में है अप्लाई करना चाहिए। चलो उसके बाद आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि है एज, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल कैंडिडेट की बात करें तो अप टू 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो और आप 18 प्लस होने चाहिए 18 ईयर्स से, ठीक है, 18 के पहले वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो बच्चे देख रहे हैं जो कम एज के हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो 18 से लेकर 27 ईयर्स तक का आपका है जनरल का, और SC ST OBC ये सब के लिए आपका 3 साल और 5 साल का जो रिलैक्सेशन होता है वो तो नॉर्मली रहता ही है।
तो ये आप कर सकते हो। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका क्लास 10 का मार्क्स में मेट्रिकुलेशन पास आउट होने चाहिए, और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। फिजिकल वगैरह इसका कुछ है नहीं खास, इसमें दो टायर में आपका एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, दो टायर का एग्ज़ाम होता है। मेनली इसका एक ही होता है, अगर पहला आपने निकाले तो दूसरा निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो इसमें हर एक स्टेट के लिए आपका अलग अलग आपका वैकेंसी होता है, रीजन वाइज आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत सारा मैंने बताया। तो आपको अब जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको स्टेट का प्रेफरेंस भी देना पड़ता है, तो आप अपने स्टेट का दे सकते हो, जिसमें अगर आपको जॉब मिलेगा तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस आपके स्टेट को दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको भर देना है फॉर्म, और इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ नहीं, आपको बस एक आईडी जरूरत पड़ेगी और फोटो सिग्नेचर, अगर आप एस सी एस टी हो तो उसका सर्टिफिकेट, बस और कुछ नहीं लगेगा। प्रोफाइल बनाना है और अप्लाई करना है, तो इसमें आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप फीमेल वगैरह हो और अगर आपका फ़ी नहीं लग रहा तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, अप्लाई कर देना, और एग्ज़ाम जब होगा तो दे देना। तो आई होप आपको समझ में आ गया। मिलते हैं कुछ अगले अपडेट के साथ कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, ख्याल रखना, बाय।